हेलो फ्रेंड्स, स्टिच होम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लहंगे में साइड जीप पॉकेट कैसे अटैच करते हैं, इसका कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, इस मेथड के थ्रू किसी भी प्रकार के लहंगा, स्कर्ट या फ्रॉक में साइड जीप पॉकेट अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं यह जीपर पॉकेट कलियों वाला लहंगे पर कर रही हूं। इस लहंगे का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसे बनाने में मैंने 20 कलियां इस्तेमाल किया है, 10 फ्रंट पैनल के लिए और 10 बैक पैनल के लिए। दोनों साइड के कलियों को आपस में स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है और दोनों पैनल को लाइनिंग से राउंड पर और दोनों साइड पर 9 इंच तक स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। अब इसके एक पैनल को लेंगे और उसके राइट साइड पर पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को बेस्ट राउंड से और साइड में 9 इंच तक स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। सो अब यहाँ पॉकेट का मार्किंग करेंगे। सो पॉकेट का मार्किंग के लिए यहाँ से नीचे 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और 2 इंच मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर 6 इंच पर मार्क कर लेंगे पॉकेट का ओपनिंग के लिए और इन दोनों मार्किंग पॉइंट से अंदर की ओर 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे। सो पॉकेट का कटिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने कपड़े को 2 लेयर में सेट किया है और इसका खुला भाग अपने साइड रखा है और पॉकेट का चौड़ाई 7 इंच लिया है और इसकी लंबाई 12 इंच रखा है। अब नीचे यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर कर्व लाइन बनाते हुए पॉकेट का शेप देकर इस पार्ट को कट कर देंगे। अब ऊपर यहाँ 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर 6 इंच पर मार्क कर लेंगे पॉकेट का ओपनिंग के लिए और दोनों मार्किंग पॉइंट से अंदर की ओर 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन बना लेंगे। अब मेन फैब्रिक का मार्किंग पॉइंट्स और पॉकेट का मार्किंग पॉइंट्स को आपस में मिलाकर रखेंगे। उसके बाद मार्किंग पॉइंट से होते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ 1/2 इंच तक अंदर स्ट्रेट स्टिच करें। उसके बाद मशीन का सुई अंदर रखें और बूट को उठाकर नीचे के साइड पर आकर सिलाई कर लें। उसके बाद फिर से टर्न करके इस साइड पर भी स्टिच कर लें। उसके बाद दोनों साइड पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएं। उसके बाद पॉकेट को टर्न करके रॉन्ग साइड पर कर लें और यहाँ पर अच्छे से सेट करें। सेट करने के बाद यहाँ मार्जिन से होते हुए टॉप स्टिच कर लें। टॉप स्टिच करने के बाद पॉकेट के रॉन्ग साइड पर आकर पॉकेट को इस प्रकार डबल फोल्ड करें और इसे नीचे से सिलाई करके क्लोज कर दें। नीचे से क्लोज करने के बाद अब पॉकेट को फिर से टर्न करके इसके माउथ को ऊपर के साइड पर कर लें। उसके बाद इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस पर जीप अटैच करेंगे। उसके बाद जीप को लेंगे और जीप का ओपनिंग वाला पार्ट अपने साइड पर रखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले से अटैच करेंगे। सो यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की ओर पहले एक मार्क कर लें और यह मार्किंग पॉकेट का ओपनिंग मतलब 6 इंच तक करेंगे। अब जिप को लें और इसे ओपन कर लें और जिप को लाइनिंग से मिलाते हुए इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर जिप को उल्टा रखना है, मतलब जिप का ओपनिंग वाला पार्ट फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है। इसके बाद नीचे से 2 इंच जिप को छोड़कर एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे। दूसरे साइड वाले पॉकेट ओपनिंग पार्ट पर भी जिप के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग पॉइंट पर जिप को उल्टा रखकर सिलाई करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल जिप के किनारे से होते हुए इस पर सिलाई करेंगे। दोनों ओपनिंग पार्ट पर जिप को स्टिच करने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखकर सिलाई करेंगे। सो इसके लिए पॉकेट के दोनों इंड को आपस में मिलाते हुए पकड़ेंगे। ऊपर से 2 इंच सिलाई करने के बाद नीचे पॉकेट वाले पार्ट को इससे सेपरेट कर लेंगे और ऊपर यहाँ चेन को थोड़ा अंदर की ओर पुश करेंगे और बिल्कुल चेन के किनारे से होते हुए और पॉकेट पीस का फैब्रिक को लेते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से पॉकेट में जिप बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है और इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी प्रकार का लहंगा, स्कर्ट या फ्रॉक में जिपर पॉकेट अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह पॉकेट अब लहंगा से अटैच हो चुका है। आप पॉकेट ओपनिंग के दोनों साइड सिलाई करके ओपनिंग को लॉक कर लेंगे। ओपनिंग को दोनों साइड से लॉक करते वक्त पॉकेट को इस साइड पर रखना है और यहाँ ओपनिंग के दोनों साइड सिलाई करते वक्त मेन फैब्रिक को थोड़ा ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। उसके बाद जिप को ओपन कर लेंगे और इस साइड भी जिप के ऊपर थोड़ा मेन फैब्रिक को रखते हुए एक टॉप सिलाई कर लेंगे। यहाँ टॉप सिलाई करने से जिप राइट साइड से दिखता नहीं है और वह फैब्रिक से ढका रहता है। अब यह पॉकेट लहंगा से अटैच हो चुका है। फ्रंट और बैक साइड से यह इस तरह से दिखेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करें और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।